दोस्तों ये रिंग लाइट बहुत ही ज़्यादा एम्पियर ले रही है, तो ये रिंग लाइट मैं बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हैं घर पे। अगर कोई भी आप वीडियोस बनाते हैं तो ये रिंग लाइट बहुत ही काम आती है, क्योंकि ये रिज़ल्ट को बहुत ही अच्छा बनाती है। ये रिंग लाइट मेरा कुछ इस तरीके का है, काउंटर है, और इस काउंटर में मैं यहाँ इस साइड पे और सामने वाली साइड और इस साइड जो भी LCD मैं बनाऊँगा वो यहाँ पे और वहाँ पे और यहाँ पे चपका लूँगा, और एक ही लाइन से कनेक्शन लगा के हम सप्लाई देंगे, और बाद में हम वीडियोस भी देखेंगे उनके के पहले की वीडियो कैसी आती है और रिंग लाइट बनाने से वीडियो कैसी आती है। तो ये भी आप आसानी बना सकते हैं, और वीडियो देखते रहना, और आपका भी कोई दोस्त किसी भी तरीके का वीडियो बनाता है तो ये वीडियो उनको भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और ये LCD अगर आपके पास नहीं है तो ये गुम्बा लेपरिंग वाले पास ये बहुत ही होती है, और ये फेंक देते हैं। वैसे आप LCD की जगह टच मोबाइल के जो पैनल आते हैं ख़राब, उनकी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस LCD का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जो ऊपर वाला डिस्प्ले है शीशा, इसको हमको निकाल लेना, और बाद में ये जो बचता है इसमें हम दो जम्पर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे दो जंपर करने हैं ऐसे। यहाँ पे हमने जंपर वायर कर ली है दो लाइनों पे, LED की दो लाइनों पे। ये हमें इस काउंटर के इस तीनों जगहों पे लगानी है, ऊपर वाली साइड, बीच बीच में, ठीक है। तो बाद में देखते हैं क्या होता है। ग्लू की मदद से LCD जो है ऐसे चपका गए, उसके बाद ऊपर में थोड़ी सी टेप भी लगानी है, ताकि कोई भी LCD नीचे ना आए, और जब तक ग्लू हमारा सूख नहीं जाता। अब जो हाथ से भी पता चल रहा है कि ग्लू हमारा सूख गया है। अब जो हमें इन तीनों LCD का कनेक्शन दो वायर में करते हैं, और इन तीनों का भी दो वायर में करते हैं, इन तीनों का भी दो वायर में करते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन एक ही लाइन में कर लिया है। अब थोड़ा सा इन कनेक्शन को हम जो एक टेप की मदद से पक्का करके थोड़ा रात का इंतज़ार करते हैं, और व्यू देखते हैं कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है LED लगा ली है LCD, तो मगर अभी भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मगर मैंने एक और भी तरीका किया है। यहाँ पे जो नीचे दो LEDs हैं इनको भी जो है लगाएंगे, और लगाने के बाद देखते हैं, ये 12 वोल्ट वाली है, इनको लगा के बाद में रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये LED भी हमने लगा ली है 12 वोल्ट वाली, ये भी लगा ली है 12 वोल्ट वाली, इस बैटरी पे वो चलती है 12 वोल्ट वाली। तो दोस्तों अब कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, देख रहे हैं आप, कोई भी जो है बहुत ही क्लियर रिजल्ट आ रही है। अब ये अलग कलर इसलिए है LED का, क्योंकि अगर सब वाइट होते तो यहाँ पे सब वाइट ही हो जाता। अभी भी एक यहाँ पे मैं LED लगाऊंगा जिनका गोल्डन कलर होगा, जो 100 वोल्ट का बल्ब होता है वैसा कलर होगा, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ताकि कलर सब मिक्स हो जाए। और अब जो है इस LED को हम बंद करते हैं। दोस्तों इन LED को बंद करने से कुछ ऐसा भी आता है, और लगाने से ऐसा भी आता है। जैसे ये व्यू आप देख रहे हो, और इनको ऑन करते हैं तो ऐसा भी आता है। तो दोस्तों अब हम इन्हें जो लाइट है हमारी LCD वाली, इनको हम बंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये दो LED ऑन है। अब हम इनको दोबारा से ऑन करते हैं।
अच्छा दोस्तों, इन एलसीडी का बहुत ही बड़ा कमाल है क्योंकि जब ऑन होती है तो रिजल्ट और भी क्लियर हो जाती है। दोस्तों ये आप 3.7 वोल्ट वाली बैटरी पे चला सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप ऐसा कोई चार्जर लगा के लाइट में और उसके बाद जो है आप वहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो और बैटरियाँ आपकी जो है इसमें थोड़ी देर जल्दी डिस्चार्ज होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये करंट लेती है।